जब हमारे पास करने को कुछ काम होता है तब हम सोचते हैं कि काश हमें छुट्टी मिल जाती तो कितना अच्छा होता, और जब छुट्टी होती है तब हम कुछ ना कुछ काम ढूंढने की कोशिश में लग जाते हैं। बस कुछ ऐसा ही हाल आज मेरा है। सुबह से इंस्टाग्राम में 100 से ज़्यादा रील देखने के बाद और यूट्यूब में MBA चाय वाला, BTech पानीपुरी, चाट, भल्ला, कचौड़ी, समोसा, मोमोज जैसे स्टार्टअप पर ज्ञान ग्रहण करने के बाद जब मेरा टाइम पास नहीं होता है तब मैं ज़बरदस्ती आँख बंद करके सोने की कोशिश करता हूँ, पर बिना थकान के नींद आना इतना आसान कहाँ। और कुछ ही मिनट के बाद मैं आँख खोल बैठ जाता हूँ और घड़ी की ओर देखने पर एक मिनट भी कई घंटों जितना लगने लगता है। तभी मेरी नज़र पास ही पड़ी झाड़ू पर पड़ती है और मुझे फाइनली करने के लिए कुछ काम मिल जाता है और इस तरह शुरू होता है मेरा मिशन सफाई। तो अब मैं अपने साफ घर को दोबारा साफ करूंगा, तो चलो चलते हैं। सो अभी जो आपको साफ दीवार दिखाई दे रही है इसमें दोबारा से मैं झाड़ू मारूंगा, क्योंकि टाइम पास तो करना ही है, तो इनको भी मैं घिस घिस के रगड़ के साफ करूंगा। झाड़ू बाहर से आधा घंटा हो चुका है और यहां से भी कुछ भी कूड़ा नहीं मिला है, लेकिन मैं हार मानूंगा नहीं। तो अब मैं कूड़ा इस कोने से निकालूंगा, क्योंकि सारे कोने से मैं निकाल चुका हूं और ये कोना हमारे पास बचा हुआ है, तो इसको भी निकालता हूं और इस कोने में कूड़ा जितना भी होगा सब निकालेंगे। और कूड़ा तो कुछ मिला नहीं अभी तक, तो चलो एक कोशिश कर लेते हैं। तो इस कोने से मेरे को जरा सा कूड़ा मिला है, थोड़ा बहुत तो मिल ही गया। और ये है मेहनत का पसीना, और तो पूरे रूम का कूड़ा इकट्ठा करने के बाद सिर्फ इतना सा कूड़ा मिला है। सो भाई पूरे रूम की सफाई करने के बाद जरा सा कूड़ा निकला है और साथ में पसीना देखो कितना ज़्यादा आ रहा है। और अब बारी है पानी पीने की, और झाड़ू मारना एक आर्ट है। तो ये है मेरा एनर्जी ड्रिंक, सबसे पहले पानी पी लेते हैं, बहुत थक गया हूँ। और जो अंदर वाला रूम था उसमें मैंने कम से कम एक घंटा लगाया, तो इस तरीके से अभी बस दो रूम और बचे हुए हैं, तो लगभग 2 घंटे और लगेंगे, तो लगभग मैंने 3 घंटे अपना वेस्ट होने बचा लिया है। तो चलते हैं, क्योंकि अभी 2 रूम और बचे हैं, फटाफट करना है, तो चलो सब चलते हैं नेक्स्ट रूम में। और जो है ये सो यहाँ पर कूलर, ये है वॉशिंग मशीन और ये है फ्रिज, और जो इनके नीचे जो जगह होती है ना, तो यहाँ पर कोई भी सफाई नहीं करता है, तो आज मैं करूँगा और देखता हूँ कि यहाँ से कूड़ा मिलता है कि नहीं मिलता है। तो ये सब जगहों के जितनी भी चीज़ें हैं सबके नीचे जगह बनी हुई है। और ये है मेरा झाड़ू, तो चलो स्टार्ट करते हैं फटाफट से। तो कूलर खिसकाना बहुत ही आसान है, तो इसीलिए कूलर को खिसका देंगे ताकि सफाई अच्छे से हो जाए। तो कूलर को मैंने खिसका दिया है, यहाँ से निकल गया है। और वॉशिंग मशीन खिसकाना थोड़ा सा मुश्किल है, तो इसीलिए उसको मैं खिसका नहीं रहा हूँ। तो यहाँ से थोड़ा बहुत कूड़ा तो मुझे मिल ही गया है, और साथ में फ्रिज, यहाँ पर एक मैट्रेस को साफ कर देते हैं। तो फ्रिज के नीचे से कूड़ा भी निकाल लिया है, तो फ्रिज को खिसकाना मुश्किल है, तो इसलिए हम इन दोनों चीज़ों को नहीं खिसकाएंगे। तो और इसको दोबारा स्लीव पर लगा देते हैं। तो ये इतना कूड़ा निकला है इस रूम से, तो इसको भी मैंने साफ़ कर दिया है,
और थोड़ा बहुत यहाँ कोने वोने में है कूड़ा, तो इसको भी मैं निकाल रहा हूँ। सो सफाई के बावजूद ही मैंने कूड़ा निकाल ही दिया है, और साथ में ये देखो पसीना ही पसीना, तो ये है मेरी मेहनत का पसीना, तो थोड़ा सा और निकलेगा अभी। सो एक विशेष सूचना, हमारे यहाँ पर सफाई के कोर्स करवाए जाते हैं, तो ये कोर्स स्पेशली हमारे यूट्यूब चैनल पर सिखाया जाएगा और इसकी फीस है ज़ीरो। इस तरीके से आप अपने माँ बाप के ताने सुनने से बच सकते हैं, तो फटाफट से हमारे कोर्स को ज्वाइन करें, हमारा लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे है। थक चुका हूँ और मेहनत की वजह से पूरा पानी पानी हो चुका हूँ, तो अब मैं जो मिशन सफाई था इसको मैं यहीं पर ही ख़त्म करता हूँ, और जो कूड़ा था जो सफाई थी मैंने बाधा कर दी है, अब मेरे बस की नहीं है। सो ऐसा कुछ है फाइनल रिजल्ट, क्योंकि साफ घर को मैं कितने साफ कर लूँगा, वो साफ पहले से ही था, तो मैं कितना कूड़ा निकाल पाता, लेकिन जो मैं टी शर्ट है पूरी गीली हो चुकी है और साथ में मेरे बाल पूरे बिखरे बिखरे हो चुके हैं। तो ये था हमारा आज का वीडियो मिशन सफाई, अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ उसको लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में।